अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान होती का कहना है कि तीन किस्म के लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। पीटीआई लीडर्स जिस रास्ते से सियासत में आए इसी रास्ते से उन्हें बाहर किया जा रहा है। जारी किए गए बयान में एएनपी के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि पीटीआई लीडर्स इस रास्ते का इंतखाब ना करते तो शायद उन्हें आज ये दिन देखने ना पड़ते। इस वक्त तीन किस्म के लोग पीटीआई का हिस्सा हैं। एक वो लोग हैं जो मुखलिस हैं और बाने पीटीआई के साथ खड़े हैं। अमीर हैदर होती ने मजीद कहा कि दूसरे वो लोग हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, और तीसरे वो लोग हैं जिन पर दरीना पार्टी कारकुन हैरान हैं कि ये कहाँ से आए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी नायब सदर का ये भी कहना था कि ये लोग किसी और के हुक्म पर आए हैं, किसी और के इशारे के मुंतजर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। आज भी कुछ लोग कुछ और लोगों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लाड़काना में बेनजीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर मरकजी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि दीगर सियासी जमातों के कायदीन माजी के सियासतदान हैं, पुरानी सियासत करते हैं, मुस्तकबिल नौजवानों का है, मुल्क में वफाक को बचाने वाली वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, भगोड़े आमिर को मुल्क से बाहर निकाल कर वो इंतकाम लिया, वक्त आ गया है कि अवामी राज कायम करने के लिए विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए। तीन नस्लों से बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करते आ रहे हैं। पीपी चेयरमैन ने कहा कि इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, इलेक्शन से डरते नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। मीडिया पर चलने वाले ड्रामे का जवाब मुल्क की आवाम 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगा कर देंगे। 18 महीने जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे उन्हें मईशत, दहशतगर्दी और जमहूरी से दिलचस्पी नहीं थी। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए आपस की लड़ाइयां छोड़ना पड़ेंगी। अवाम महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं। अवाम ने पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो 10 काम तरजीही बुनियादों पर करूंगा। इंतखाबी मंशूर का ऐलान, बिलावल के 10 वादे हुकूमत बनाई तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होगी। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे, हर बच्चे की तालीम तक रसाई यकीनी बनाएंगे, मुल्क भर में मुफ्त इलाज का निजाम बनाएंगे, गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे, गुर्बत मिटाने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरह किसानों के लिए हाड़ी कार्ड बना कर देंगे, मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड बना कर देंगे, हुकूमत बनी तो नौजवानों के लिए यूथ कार्ड के जरिए माली मदद भी फराहम करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करेगी। पीपल्स पार्टी के लीडर्स और कारकुनान इलेक्शन की तैयारी पकड़ लें, दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी के लीडर्स और कारकुनों से अपील करते हैं कि आपने मुझे जितवाना है, मुझे अक्सरियत चाहिए।